हाथ पहुंच चुके हैं। फाइनली आज अंजलि का पर्दाफाश हो गया है और हम सबको पता चल गया है कि सब कुछ अंजलि और साहिल मिलकर कर रहे थे। तो जब मुझे ये बात पता चलती है तो मैं मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है और मैं साहिल का गला दबा देता हूँ और उसको मारने की कोशिश करता हूँ और सब लोग मुझे रोकते हैं क्योंकि सब लोग कहते हैं कि एक्चुअली गलती साहिल की नहीं है, मेन जो मास्टरमाइंड है वो अंजलि है। तो अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा आई गेस और अंजलि को हम पुलिस के हवाले कर देंगे और जो मेरी लव स्टोरी है संजना के साथ वो अब कंटिन्यू होगी आगे। समीर और संजना के भी शायद अब जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी सारी जो क्रिएट की थी अंजलि ने, अब शायद वो ख़त्म हो जाए। जी हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ संजना से और अंजलि ने बहुत कोशिश की हमारे बीच में दरार लाने की और डाउट्स भी बहुत उसने क्रिएट किए, लेकिन अब हम सबको सच्चाई का पता चल गया है तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंजलि इतने बड़े कोमा के हादसे के बाद भी जब हार आई है वो जब भी नहीं सुधरी और अब तो पुलिस के हवाले चली है, अब क्या लगता है कि इतने बड़े काम के बाद भी अंजलि इतने सालों में चेंज नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी चेंज होगी।